छात्राओं, आज हम जो अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं वह है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली से अभिगृहित संस्करण है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित NCERT से संबद्ध है। सत्र 2020 का ठीक पहले मुख्यतः हम आज जो अध्ययन कराने जा रहे हैं उसका विषय है भारत और समकालीन विश्व भाग एक। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को यह बतलाना चाह रहे हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। यह आप भी सब जानते होंगे, पूर्व की कक्षाओं में भी आपने अध्ययन किया होगा, है ना। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन के। इसी प्रकार राष्ट्रीय पाठचार्य रूपरेखा 2005 भी सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के स्कूली जीवन से बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय पाठचार पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। ठीक है, इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। ठीक, अब हम आज इकाई एक का अध्ययन करने जा रहे हैं, घटनाएं और प्रक्रियाएं के संबंध में। ठीक है, घटनाएं और प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी देंगे। तो चलिए आज हम फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। इस इकाई में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नत्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे, परंतु वर्तमान में आधुनिक विश्व की रचनाओं में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए अब हम जानकारी लेते हैं। अब हम इस संदर्भ में, जैसा आपको बताया ये तीनों घटनाओं से संबंधित, तो हम सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अब जानकारी आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और समान मानकर चलते हैं, है ना, सहज, सुलभ और समान मानकर चलते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब भी एक इतिहास रहा है, इन सब का भी एक इतिहास रहा है, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी और आगे भी हम इस संदर्भ में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में जो राजतंत्र को समाप्त कर दिया, है ना, और विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई, है ना। तो शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार, ठीक है, क्रांति के द्वारा फिर वहाँ एक मानव अधिकार आयोग घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था, जबकि सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है, ये मानव अधिकार के अंतर्गत है, समझ रहे हैं आप। इसलिए सबके एक समान अधिकार के साथ साथ और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है, ठीक है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई है। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया।
अलग अलग प्रकार से सोचा और समझा गया और नाना रूपों में इसके संदर्भ में विचार किए गए और अलग अलग निर्णय लिए गए। परंतु इन सब बातों के बावजूद भी भारत और चीन और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। ठीक है, अर्थात जो फ्रांसी क्रांति थी उसकी वह 14 जुलाई 1789 की प्रातः 1789 को प्रातः पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक, आतंक का माहौल था और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, जिससे अफवाह फैल गई थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 महिलाएं पुरुषें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। ठीक, जिस प्रकार अपने जबलपुर में विक्टोरिया अस्पताल के बाजू से गांधी भवन टाउन हॉल बना हुआ है, इसी प्रकार फ्रांस में भी एक टाउन हॉल है जिसमें टाउन हॉल था जिसमें एक सभी लोग 7,000 महिलाएं पुरुष एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन भी करने का भी निर्णय लिया। ठीक, फिर उसके पश्चात उन्होंने हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में बिना अनुमति के प्रवेश कर गए। फिर अंत में सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बस्तील किले की जेल को तोड़ डाला। ठीक, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, परंतु हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बस्तील का कमांडर मारा गया है ना, और कैदी भी छुड़ा लिए गए थे। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कितनी थी? केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुशता शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। क्या था? बस्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र थी, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाह रहे थे या चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए, बहुत जगह वाद विवाद हुए। अधिकांश जनता जनार्दन पाव रोटी की कीमतों का विरोध कर रही थी। किसका? पाव रोटी की कीमतों की वृद्धि का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति